वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों ने वांडा विजन के जो एंड क्रेडिट सीन है वो देख लिया होगा। एंड वांडा के बारे में एक और मैं चीज़ यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, तो स्पॉइलर अलर्ट पहले से ही दे देता हूँ। मैंने वांडा विजन हिंदी में नहीं इंग्लिश में देखा है, और जितना भी मैंने देखा है, जितना भी मेरे दिमाग में घुसा है और जितनी सारी मैंने फैन थेरीज स्टोरीज और प्रेडिक्शन सुने हैं, सारे के सारे जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है। तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ें सही निकली, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें सही नहीं निकली। माना कि वांडा इतनी पावरफुल नहीं है गेम में, लेकिन 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 नेट मार्वल मुझे लगता भी नहीं है कि वांडा को इतनी पावरफुल बनने देंगे गेम में ना, क्योंकि नल जैसे सेंट्री जैसे कैरेक्टर ऑलरेडी गेम में ला के रखे हैं इन लोगों ने, और सबसे ज़्यादा पावरफुल बना के रखे हुए हैं उन दो कैरेक्टर को। तो उसमें इन सबसे टॉप लेवल में वांडा को रखना, इन सबके ऊपर में लेके जाना, अपग्रेड देना, तो ये नेट मार्वल कभी नहीं करने वाले जहाँ तक मेरे को लग रहा है। हाँ, तो मैं मेन मुद्दे की बात करने वाला हूँ। मैं तो वांडा विजन का एपिसोड 9 मैंने देखा, देखने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई कि वांडा का ट्रू फॉर्म क्या है, वो स्कारलेट विच कैसे बनी, मतलब उसको वो पावर्स के बारे में पता कैसे चला, अगाथा हार्कनेस ने उसको कैसे पुशअप किया स्कारलेट विच बनने के लिए, उसकी फाइट सीक्वेंस, वाइट विजन, विजन जो है वाइट फॉर्म में कैसे आया सिंथोसाइड बन के, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी लंबी लंबी बातें। तो ये सब चीज़ें मैंने देखा, सोचा, समझा, पूरा का पूरा सीरीज़ देखा मैंने। अभी एक और उसका एक बच्चा है जिसका वो उसका नाम है मेरे ख्याल से कुछ समथिंग कुछ है, असेंबल करके कुछ आने वाला है नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे को कुछ है, तो वो भी मैं देखूंगा उसमें क्या होने वाला है, कैसे उसकी शूटिंग की गई थी वगैरह वगैरह, कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो लोग, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के सीधी बात, मेन मुद्दे पर आता हूँ मैं। अभी जो नेक्स्ट वीक से फाल्कन एंड विंटर सोल्जर का जो सीरीज है वो स्टार्ट होगी, तो उसमें भी नए अपडेट में आएगा, इसलिए ये तीन कैरेक्टर मैंने स्क्रीन के ऊपर में मेन टीम में सेट कर रखे। उसके बाद में अभी वांडा विजन खत्म हुआ है 9 एपिसोड कल, ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि वीकेंड का नया यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। साथ में अगर अपडेट आया तो स्पीड नाम का जो वांडा का बेटा है, स्पीड नाम का जो है क्विक सोलर के जैसे सिमिलर पावर रखने वाला जो उसका बेटा है, वो भी नया कैरेक्टर मार्वल फ्यूचर फाइट में आने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं। प्लस विजन का जो एक नया यूनिफॉर्म मेरे को देखने को मिलेगा वो है वाइट विजन। अब यहाँ पर मैं वो तो डेफिनेटली मेरे को लग ही रहा है कि मेरे को वाइट विजन देखने को मिलेगा, आई होप कि मेरे को मिले और मैं उसको परचेस करके विजन को टीयर 3 के लिए रेडी कर दूंगा। और मेरे को एक और डाउट लग रहा है कि विजन को टीयर 3 मिलेगा, क्योंकि वाइट वाला विजन के साथ में अगर टीयर 3 मिलेगा तो इसमें काफ़ी सारे उसके स्किल्स बोनस चेंजेस होंगे। मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसके स्किल्स में पेनेट्रेशन, उसके बाद में और ऑल डिफेंस डाउन वगैरह, ये सब चीज़ें जो नॉर्मली बाकी कैरेक्टर्स को दी जाती है वो सब मिलेंगी। लेकिन मेरे को एक डाउट है, नेट मार्वल वाले कभी भी विजन को इतना ताकतवर नहीं बनाएंगे जितना उसको होना चाहिए। क्यों बता दो, नेट मार्वल वालों को चाहिए पैसा, तो वो पेड कैरेक्टर पे फोकस करेंगे ना कि फ्री कैरेक्टर पे। हमेशा की तरह वो हर अपडेट में ऐसे ही करते आ रहे हैं, उनकी एक स्ट्रैटेजी बन के एक प्लान चलता है, वो प्लान के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो उनका ये अगला प्लान होगा, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया, विजन को वो कभी भी इतना पावरफुल नहीं बनाएंगे जिससे गेम अनबैलेंस हो जाए या गेम में फ्री कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टॉप लेवल के दिखना शुरू हो जाएंगे, ऐसा वो कभी भी नहीं करेंगे। तो विजन को जो है वो नॉर्मल एबिलिटी, नॉर्मल स्किल्स देंगे, और जो यूनिफॉर्म होगा थोड़ा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, ज़्यादा ओवर पावर नहीं होगा। और रही बात वांडा की, तो अब देखने को मिलेगा ये कि वांडा एग्जैक्टली उसका नया वाला जो फॉर्म है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट तो थोड़ा बहुत निकाल के रखे, मैं तुमको एडिट करके यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा दूंगा। तो उसके हिसाब से वांडा का नया यूनिफॉर्म कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, अभी इमेज तुम देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर में, तो उस तरीके से होना चाहिए उसका वांडा का यूनिफॉर्म। और एक और चीज़ मैं रिपीट कर देता हूँ कि वांडा के पास में जितने भी पावर्स है गेम के अंदर में वो काफ़ी नहीं है, उसको और इंक्रेस करना पड़ेगा, और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाना पड़ेगा, और ज़्यादा इंक्रेस करना पड़ेगा, ड्यूरेबल बनाना पड़ेगा। माना कि वांडा के पास में रिफ्लेक्ट है 100% एनर्जी डैमेज रिसीव वगैरह 7 सेकंड्स के लिए, लेकिन ये उसको पर्याप्त नहीं है, इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा।
गेम में गेम डेवलपर को, क्योंकि नल और सेंट्री दो ऐसे कैरेक्टर है जिनने अपना पावर लेवल लेजेंड में डाल रखा है, ठीक है, वो लेजेंड कैटेगरी में आते हैं। तो लेजेंड कैटेगरी में अगर वांडा को जाना है तो उन दोनों के पावर्स लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली इसको देना चाहिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि नेटमार्वल वाले इतने आसानी से जो कैरेक्टर हम लोग अचीव करते हैं, बहुत आसानी से हम लोग अपग्रेड करते हैं, आसानी से हमको मिल जाते हैं, उन कैरेक्टर को अच्छा अपग्रेड देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। वो सिर्फ पैसा और प्रॉफिट देखेंगे, हमारा फैन सर्विस या प्लेयर्स को क्या चाहिए, वो क्या डिमांड करते हैं, एमसीयू के हिसाब से गेम चलेगा कि नहीं चलेगा, उनका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो घुमा फिरा के सीधी बात, मैंने जो पॉइंट बोलना था मैंने बोल दिया। एंड अभी तक आज की डेट है, मैं दिखा देता हूँ, 6 मार्च, छः मार्च, तो 6 मार्च हो गया आज की, और आज के डेट तक अभी तक स्नीक पिक नहीं आया है मार्वल फ्यूचर फाइट में, जिसका मैं ये मतलब निकाल सकता हूँ कि वांडा विजन का जो अपडेट है इस महीने में हो सकता है, या फिर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ये दो चीज़ जो है वो मेरे को डाउटफुल लग रही है। इसलिए मैं अभी किसी भी तरीके का पैक परचेस नहीं करूँगा, क्रिस्टल सेव करके रखूँगा जब तक अपडेट आ नहीं जाता, और मीट अपडेट नहीं आ जाता तब तक, ताकि मेरे को अंदाज़ा लग जाए कि एग्जैक्टली किसका यूनिफॉर्म आने वाला है, किसका अपडेट आने वाला है, और किस किस को अपग्रेड मिलेगा, और किस किस को टीयर 3 और अवेकन मिलेगा। आई होप कि विकन को अवेकन मिले, और स्पीड नामक जो वांडा का बेटा है और एक जो कि क्विक सिल्वर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, उसको भी कहीं ना कहीं पावर मिल जाए। और एक और मेरा डाउट ये है कि यहाँ पर में जो क्विक सिल्वर है, ये वाला क्विक सिल्वर, इसको भी नया यूनिफॉर्म मिले, जो कि हमको पेत्रो करके उसमें वांडा विजन में जो शो में दिखाया गया था, जो कि एक्समैन का क्विक सिल्वर है, वो वाला पेत्रो करके दिखाया गया था। तो हो सकता है कि उसको भी कहीं ना कहीं मार्वल फ्यूचर फाइट में नया यूनिफॉर्म देखने को मिले, क्योंकि बहुत पुराना टाइम हो चुका है, क्विक सिल्वर को एक नया यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। और इसके जो स्किल बोनस है उसको देख के लग तो रहा है कि इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली लग तो रहा है कि इसको नया यूनिफॉर्म ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी क्विक सिल्वर को बहुत टाइम हो गया है, अपग्रेड देने का टाइम आ गया है, तो मेरे को डाउट लग रहा है ये चीज़, ये पॉसिबिलिटी गेम में हो सकती है अगर नेटमार्वल चाहे तो। उनको तो अगर गेम बचाना होगा, गेम के अंदर में वापस से प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना होगा, तो डेफिनेटली उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर वो करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो पैसे के पीछे भागते हैं और वांडा को उतना पावरफुल नहीं बनाते, विजन को सही तरीके से अपग्रेड नहीं देते, या टीयर 3 नहीं देते, या नया यूनिफॉर्म वाइट वाला यूनिफॉर्म, दो सैनर्जी यूनिफॉर्म तो देना चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो फिर ये गेम और डाउन जाएगा और प्लेयर्स छोड़ के चल जाएंगे, क्योंकि सबको पता है गेम डेवलपर पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो फैन सर्विस या सर्विस अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली प्लेयर्स तो छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, डेफिनेटली ये तो होने ही वाला है। और मैंने इतने सारे CCF और बैकअप प्लान बना के रखा, वो इसी चीज़ के लिए बना के रखा था कि कहीं ना कहीं अच्छा कैरेक्टर का अपग्रेड देखने को मिले और मैं उसको टीयर 3 करूँ। तो मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, और उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। फिलहाल तो मैं अभी अपने पास में जितने भी मटेरियल्स हैं सारे के सारे मटेरियल्स मैं सेव कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, जैसे ही कोई बड़ा कैरेक्टर बड़ा अपग्रेड लेके आता है मैं डेफिनेटली टीयर 3 करूँगा, प्रॉफिट को देखते हुए, अगर सही लगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसको पेंडिंग में डाल दूंगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, और वांडा विजन का जो एपिसोड 9 है उसमें वांडा ने अपने अंदर के डार्क साइड को बाहर निकाला है। एक तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे अगाथा की पावर्स जैसे वांडा ने एब्जॉर्ब करना शुरू की उसके अंदर से वापस से, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगाथा के अंदर की जो डार्क है, एविलनेस है, जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं वांडा के अंदर में घुस गया है, और घुसने के बाद में वांडा का जो एविल साइड है वो बाहर निकल के आया। मतलब जैसे होता है ना, वो एक्समैन के मूवीज में इसके पहले भी हुआ है, जेंग्रे के साथ में, जेंग्रे को ओवर पावर किया, उसके बाद में वो करप्ट हो गई, करप्ट होने के बाद में हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, और लास्ट में फिर उसको खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो सेम चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं डर लग रहा है वांडा के साथ में, कि वो अपने एविल फॉर्म का कुछ गलत इस्तेमाल ना कर दे, जिस वजह से डॉक्टर चेंज को उसके सामने आना पड़े और दोनों के आपस में फाइट हो, और डॉक्टर चेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमको ये चीज़ देखने को मिले। मैं पहले से प्रेडिक्ट कर रहा, तो माफ़ कर देना, स्पॉइलर अलर्ट। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि मल्टीवर्स हमको देखने मिले, उसके अंदर का पागलपन देखने को मिले, वांडा अपने बच्चों को, विजन को वापस लाने के चक्कर में कुछ डार्क मैजिक का इस्तेमाल करे, और असली जो रियलिटी है, जो
जहाँ पे अभी वांडा विजन हुआ है, जिस वो अर्थ में हुई है, उस अर्थ में गड़बड़ हो जाए और वो अपनी रियलिटी छोड़ के, अपना अर्थ छोड़ के मल्टीवर्स के अर्थ में जाके वहाँ से विजन को उठा के लेके आए। हो सकता है ऐसा भी कुछ हो, मैं बस फैन थ्योरी बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सब बस फैन थ्योरी पकड़ के चलो। तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, कौन कौन सा होगा मैं बात नहीं कर सकता उस बारे में। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब आई होप कि सब कुछ अच्छा हो। और वैसे भी गेम में वांडा तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी एक टाइम पे, लेकिन अभी सेंट्री और नल जैसे कैरेक्टर ने आके वांडा के जो पावर लेवल है उसको डाउन कर दिया है, कहीं ना कहीं हो तो गया है, तुम मानो या ना मानो। और वैसे भी जेंग्रे इस गेम की सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, अभी भी है, लेकिन इससे ऊपर के सेंट्री और नल है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों कैरेक्टर को अगर नीचे के रैंक पर ढकेलना है तो इन लोगों को अपना रैंक बढ़ाना पड़ेगा, इनको अपनी पावर लेवल ड्यूरेबिलिटी कहीं ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसलिए नेट मार्बल को इनके ऊपर में वर्क करना पड़ेगा और काफ़ी अच्छा वर्क करना पड़ेगा। मैं होप और हाइप इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर नेट मार्बल वालों को सच्ची में अगर कसम से गेम चलाना है ना, ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं करते परफेक्टली जैसे हम लोग होप और एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, अगर वो वैसा नहीं करते तो पक्का ये गेम तो डूबेगा ही डूबेगा। ऑलरेडी ये बहुत डूब चुका है और अभी और डूबने के कगार पे है। तो मैं चाहता हूँ कि वीकेंड को नया यूनिफॉर्म मिले, प्लस उसको अवेकन भी मिले। मैं चाहता हूँ, डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ कि वीकेंड को अपग्रेड मिले, अवेगन के साथ साथ में काफ़ी सारे उसको स्किल बोनस भी मिले। और हाँ, एक और चीज़, वांडा विजन में मैंने विक्कन के पास में माइंड कंट्रोल जैसी चीज़ें मैंने देखी है, सेम सिमिलर वांडा के जैसी, सेम सीरियसली। उसने जो स्वाट के जो एजेंट थे जिनने गन पकड़ी थी, उसके माइंड के ऊपर में ब्लू कलर की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सबके माइंड पर ट्रिक किया, उनको स्टॉप किया। और स्पीड, जिसका नाम स्पीड है शायद, तो उसने स्पीड से जाते हुए सारे के सारे गन्स वेपन्स अलग कर दिया ताकि वो फायरिंग ना कर पाए। उसके बाद में जो हुआ मोनिका रेम्बू, ठीक है नाम मेरा सही लिया होगा उम्मीद हो, तो उसने भी अपने बॉडी का इस्तेमाल करते हुए जो बुलेट्स थे अपने आप के अंदर में उसको स्लो करते हुए वांडा के दो बच्चों को बचाया। तो दिस इज़ वेरी गुड और ऑसम, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। और क्या बात करनी थी, और अब वाइट वाला विजन कहाँ गया वो तो मेरे को भी नहीं मालूम। उसको जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि वो विजन है, उसके अंदर में सारी मेमोरीज डाली गई, लेकिन इमोशन नहीं गया जो कि वांडा के साथ में उसका था। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ हमको मिस मिलती है, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो है। तो आगे जाके फ्यूचर में हमें विजन का एक अलग फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में कोई भी किसी भी तरह की फीलिंग नहीं होगी, उसको खाली मिशन देना पड़ेगा, वो जाके अटैक करेगा और जो भी उसका मिशन होगा वो सक्सेसफुली कंप्लीट करके वापस आएगा। ये सब चीज़ें होगी, तो देखते हैं और को क्या क्या देखने को मिलता है फ्यूचर में। लेकिन विजन का और भी बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में, तो आगे जाके न्यू एवेंजर्स को कहीं ना कहीं विजन भी लीड करेगा, सपोर्ट करेगा और ट्रेनिंग भी देगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो होने वाली है। और डॉक्टर शेन तो है ही पूरा का पूरा मल्टीवर्स संभालने के लिए, और कैप्टन तो बूढ़े हो गए, आराम में तो चल बसे, और अपने बाकी कैरेक्टर भी रिटायर हो गए, एंटमैन भी लगभग रिटायर होने के उम्र में ही है, अपना हॉकाई भाई साहब वो भी रिटायर होने के उम्र में ही है, उनकी भी बेटी अभी ट्रेनिंग में चल रही है, उनका भी कहीं ना कहीं हॉकाई कैट बिशप का सीरीज आएगी फ्यूचर में, और भी हमको अपग्रेड देखने को मिलेंगे। मेरे को एक डाउट था, मन में लग रहा था कि जो एक्समैन का क्विक सिल्वर है वो इस वांडा विजन के शो में दिखाया गया, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं लास्ट एपिसोड में या लास्ट सीन में हमको एक्समैन के कुछ ना कुछ हिंट देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वोल्वरीन भाई साहब आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा फ्यूचर में, उम्मीद रखो, उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और क्या बोल रहा था, मेरे को ऐसा एक और डाउट लग रहा था कि डेडपूल वहाँ पे आएगा फनी जोक मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें क्या कर सकते हैं। और क्या था उसमें नोट करने लायक, वांडा विजन के एपिसोड 9 में अगाथा हार्कनेस की पावर उसने छीन ली, अगाथा की उसने मेमोरी इरेज कर दी, उसको एक पड़ोसी बन के वहाँ पर में वेस्ट व्यू में छोड़ दिया, और वहाँ से वो चली गई उड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, और वो एक पहाड़ी जगह पे जाके बैठ गई जहाँ पे उसने अपने एस्टर फॉर्म को क्रिएट किया। एस्टर फॉर्म को क्रिएट करने के बाद में वो एक बुक पढ़ रही थी, जैसे डॉक्टर शिन पढ़ रहे थे, सेम सिमिलर एस्टर फॉर्म को जागे हुए बिना अपने रियल बॉडी को सुलाए उसने एस्टर फॉर्म को एक्टिव रख के उस बुक को पढ़ना चालू किया, और उसके आजू बाजू से जो
स्पेल कास्ट होते हैं वो स्पेल कास्ट शुरू करना है। उसने शुरू कर दी और उसके अंदर के जो बुक्स के फॉर्मूलाज थे उसके अंदर में संस्कृत में लिखे हुए जो भी स्पेल्स थे वो सब उसने ट्राई करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बुक पढ़ना चालू किया उसको एक आवाज़ सुनाई देती है उसके बच्चों की, वांडा प्लीज़ हेल्प मी वगैरह वगैरह, मॉम हेल्प वगैरह वगैरह समथिंग। तो उसको गुस्सा आता है, गुस्से में आते हुए वहाँ से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो उसके बाद में जो एपिसोड है वो एंड हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा डाउट लग रहा है कि अभी बहुत कुछ होने वाला है फ्यूचर के एमसीयू के प्लान में। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। चलो ठीक है, जो भी है हमको गेम में बस प्रॉफिट हो और अच्छा खासा अपग्रेड देखने को मिले, कैरेक्टर को सही जस्टिस मिले, पुराने कैरेक्टर को नया यूनिफॉर्म मिले, विजन को टीयर 3 मिले, विकैन को नया यूनिफॉर्म प्लस अवेकन मिले, स्पीड नामक एक जो कैरेक्टर है वो नया गेम में इंट्रोड्यूस करे, मोनिका रैम्बू जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करे, अच्छा पावर लेवल दे। लेकिन एक और पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, मोनिका रैम्बू जो है वो पेड कैरेक्टर नहीं होनी चाहिए। अगर ये लोग पेड कैरेक्टर बनाते हैं तो उसको पावर लेवल भी अच्छा देंगे, उसको स्किल बोनस भी अच्छा देंगे। फोकट में मिलने वाले कैरेक्टर को ये लोग उतना अच्छा बोनस नहीं देते जितना पेड कैरेक्टर को देते हैं। तो ये भी चीज़ मेरे को लगी तो मैंने बोल दिया, और ये सच है, ये झूठ नहीं है। ये देख लेना, तुम लोग खुद ही चेक कर लेना, पास्ट जितने भी पेड कैरेक्टर है सभी के स्किल्स बोनस चेक कर लेना, और फ्री में मिलने वाले कैरेक्टर के स्किल बोनस चेक कर लेना, तुमको सच पता चल जाएगा। हाँ, तो घुमा फिरा के सीधी बात, तो जो है ट्रथ वो मैंने बोल दिया और बस यही। तो वांडा जो है वो सॉर्सर ऑफ सुप्रीम से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। माना कि उसके स्किल्स उतनी बेहतर नहीं होगी या पावर यूज़ करने में उतना फास्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वांडा ने आका था कि सेम सिमिलर जो ट्रिक थी इनविंसिबल होने की, गायब होने की ट्रिक एंड पीछे से अटैक करने की ट्रिक एंड सुपर ह्यूमन स्पीड से आके अगाथा के ऊपर में सेम माइंड ट्रिक खेलने की ट्रिक जिस तरीके से उसने किया वो काफ़ी काबिले तारीफ है। जिस तरीके से उसने अडाप्टेशन किया वो अगाथा का सेम कॉपी सारी के सारी ट्रिक का, वो कमाल है, काबिले तारीफ है, ज़बरदस्त। मैं देख के हैरानी था कि इतना मतलब इसे किया कैसे, इसने इतने कर कैसे लिया, काफ़ी ज़्यादा मैं हैरान था ये चीज़ को देख के। तो वांडा के लिए तालियां तो बजनी चाहिए, वांडा ने अपनी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है और ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है, और वांडा पूरी ऑफिशियली कंफर्मेशन के साथ में स्कारलेट विच बन चुकी है और वो अपने पावर का अभी जलवा दिखाना शुरू करेगी, और उसके ऊपर से आगे का एमसीयू चलेगा और भी नए नए कैरेक्टर हमको देखने को मिलेंगे आई होप। और अभी एक और चीज़ था कि वहाँ पर मैं मोनिका रैम्बू को एक स्कल आके बताती है कि भाई साहब आपको ऊपर निक फ्यूरी ने बुलाया है, तो वहाँ पे मोनिका रैम्बू स्माइल करती है, मतलब उसका जो एक विश थी या जो भी उसका ड्रीम था वो सच होने वाला है, तो कहीं ना कहीं निक फ्यूरी ने उसको बुलाया है। अब कुछ फैन ऐसे बोल रहे थे कि ये सीक्रेट इन्वेजन की तरफ में हिंट कर रहा है, हो सकता है कि हमको कुछ एमसीयू में बड़ा कुछ देखने को मिले, हो भी सकता है और नहीं भी, पॉसिबिलिटी है, अपना अपना पकड़ के चलो। और क्या क्या देखने को मिल सकता है पता नहीं, देखते हैं अभी और क्या देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, आखिर विजन गया तो गया कहाँ, मतलब वाइट वाला जो विजन है जिसको रियलाइज़ हुआ कि वही विजन है, उसके अंदर के जो मेमोरीज थी वो उसकी डाली गई लेकिन इमोशन नहीं डाला गया, तो गया कहाँ, एवेंजर्स के हेडक्वार्टर या कैप्टन के पास में या किसके पास में, या आयरन मैन के पास में या ब्रूस बैनर के पास में या सूर्य के पास में, किसके पास गया, आई डोंट नो, क्या पता। और उसके सर के ऊपर में जो उसका सर है, माथा है, उसके माथे पे माइंड स्टोन के जगह पे एक पता नहीं अजीब सी चीज़ थी, वो पता नहीं क्या था, आर्क रिएक्टर था कि किसी तरीके का कोई एलिमेंट से बना हुआ चीज़ था, पता नहीं क्या था वो, कुछ भी था ज़बरदस्त था, जिस वजह से विजन जो है ज़िंदा था। और उसके अंदर फीलिंग्स नहीं थी लेकिन बाकी सभी चीज़ें फंक्शन, उसके पावर लेवल, फाइटिंग स्किल्स और जो एबिलिटी थी सारी की सारी सिम पुराने विजन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी। ऐसा बोल सकते कि उसकी पुरानी बॉडी में ही वो फिट किया गया था, तो नहीं पुरानी बॉडी नहीं, उसको नए बॉडी में डाला गया था वाइब्रेनियम के बॉडी में, ये भी सही है। तो बस इतना ही बोलना चाहता था, बाकी जितना भी मैं बोल सकता था मेरे आइडियाज़ थे, होप और एक्सपेक्टेशन, पॉसिबिलिटी, फैन थेरीज सारी की सारी इस वीडियो में बोल दिया, और कुछ चीज़ें भी शेयर करनी थी तो वो भी शेयर कर दिया। स्पॉइलर अलर्ट मैंने पहले ही दे दिया वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई जिसने एपिसोड ना देखा हो वो इस वीडियो को ना देखे, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड वांडा विजन से रिलेटेड अगर अपडेट आता है तो ज़रूर मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा, और जो भी ओपिनियन होगा, जो भी पॉइंट होगा, जो भी गाइड होगा मैं दूंगा, ठीक है।
तो हो सके तो बायोमेट्रिक्स जमा करके रख लो, गोल्ड जमा करके रख लो, गेम लिंक करके रख लो, क्योंकि अभी तक स्नीक पिक नहीं आया है। आई होप कि हमको शाम तक स्नीक पिक देखने को मिले या फिर कल परसों तक, देखते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा आई होप। और वैसे भी ये नेटमार्बल एक मॉन्स्टर टाइप की कंपनी है, तो ये हरामखोर कंपनी है और ये इतना आसानी से पैसा छोड़ने वाली नहीं है। और ऊपर से वांडा विजन जैसा बड़ा शो जिसमें वांडा ने अपनी ट्रू फॉर्म दिखाया है, ऐसे अपडेट को नेटमार्बल वाले कभी भी पैसा कमाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। वो तो इसको डेफिनेटली एक अपडेट बना के डालेंगे। आई होप कि गेम में हमको लेजेंडरी बैटल मोड भी देखने को मिले वांडा विजन का। मैं ऐसा पकड़ के चल सकता हूँ कि वांडा विजन का लेजेंडरी बैटल यहाँ हमको देखने को मिले, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, पॉसिबल। और हाँ, एक और चीज़, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का भी हमको शायद हो सकता है लेजेंडरी बैटल हमको देखने को मिले। तो देखो, दोनों भी पॉसिबिलिटी है, हमारे पास में काफ़ी सारे चॉइस रहेंगे परचेस करने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्रिस्टल सेव करके रखो। एंड एक और चीज़ मैं वार्निंग दे देना चाहता हूँ, डॉक्टर शिंच का नया वाला यूनिफॉर्म मत परचेस करना, पुराना भी मत करना, जैसे चल रहा है चलने दो। वांडा का नया वाला ये जो यूनिफॉर्म है ये भी परचेस मत करना, नया यूनिफॉर्म आएगा तो प्लीज़ डोंट परचेस वांडा यूनिफॉर्म। विकेन का नया यूनिफॉर्म आएगा और क्विक सेलर का भी नया यूनिफॉर्म आएगा और मोनिका रिम्बू भी नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो सकती है। स्पीड नाम का जो कैरेक्टर है वो भी नया इंट्रोड्यूस होगा। अगाता हार्कनेस जो भी है वो, उसका भी नया कैरेक्टर हमको मार्वल फ्यूचर फाइट में देखने को मिल सकता है अगर अपडेट आया तो, इफ़ अपडेट विल कमिंग। और बाकी की चीज़ें जो भी है वो तुम अंदाज़ा लगा लो। और हो सकता है मेफिस्टो या नाइटमेयर, पता नहीं, दुनिया भर की चीज़ें हो सकता है वो भी हमको देखने को मिले। तो बस इतना ही बोलना चाहता था, बाकी सब जो भी था मैंने बोल दिया। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बी अलर्ट।